this is your fab and this is your AT&T, correct? And beyond this becomes the electronics manufacturing, right? Let me call it circuit. Any circuit in which it will go. In sab ke niche primary badi strength hum bana rahe hain, wo bana rahe hain talent ki. Talent pool, correct? And second big thing which we are doing is R&D. And here R&D, the way we have structured this is, जो सबसे difficult, सबसे महंगे tools होते हैं, those are tools which are supplied by Cadence, Synopsys and Siemens. इन तीन के जो tools हैं, what we call EDA tools. EDA tools होते हैं. These are very expensive. अगर कोई एक खरीदने जाए, right? अगर आप खरीदने जाओ सामने, तो you'll have to shell out 10 crore rupees, 15 crore rupees. एक लाइसेंस के लिए. सो वॉट वी हैव डन इज वी हैव टॉक टू ऑल दीज थ्री कंपनीज, तीनों के साथ बातचीत करके वी हैव टेकन द एंटायर ईडीए टूल स्वीट ऑफ ऑल द थ्री कंपनीज बाय द गवर्नमेंट एंड वी हैव गिवन दिस टूल इन सबका लाइसेंस इन सबका लॉग इन वी हैव गिवन टू द 104 यूनिवर्सिटीज, करेक्ट? तो 104 यूनिवर्सिटीज में नॉट जस्ट दी आईआईटीज बट ऑल्सो टियर थ्री यूनिवर्सिटीज, वो सारी की सारी दे आर नाउ एबल टू एक्सपोज देयर स्टूडेंट्स एंड ट्रेन देयर स्टूडेंट्स ऑन टू लाइव टूल्स. क्लासरूम नहीं, लाइव टूल्स. दे कैन एक्चुअली टेक अ प्रोजेक्ट टू डिजाइन अ न्यू मोबाइल चिप एंड डिजाइन इट यूजिंग दिस. और उसी में से नए स्टार्टअप्स निकलेंगे और उसी में से जो टैलेंट निकलेगा that talent pool will feed into our large talent pool of 300,000 engineers already, and this will feed into your design, your fab and your ATM. You are seeing the full picture, correct? Is pure picture mein this is the way we are working. It's a very comprehensive program and that's why the foundations are very important. Jab aap log puchte the ki kab aayegi fab, kab aayegi fab, I always said that whatever we do, we'll do very solid work. पहले काम में टाइम लगता है बट ऑलवेज लेट्स डू सॉलिड वर्क. और उसमें भी वॉट वी हैव बीन एबल टू अचीव, वॉट आर कंट्री हैज बीन एबल टू अचीव, मेनी कंट्रीज आर नॉट एबल टू अचीव दैट इन 5 years. दैट मच वी हैव बीन एबल टू डू इन विद इन 2 years ऑफ दिस टाइम फ्रेम. तो आज अपने पास इसकी पूरी टेक्नोलॉजी आ गई, ये पूरा आ गया और फैब की वी विल स्टार्ट डेवलपिंग दिस, करेक्ट? और इसके साथ जो आएगा पूरा का पूरा इकोसिस्टम आएगा. इसमें लार्ज इकोसिस्टम, जो लेंसेज, योर केमिकल्स, योर गैसेस, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स. सो नाउ आवर अटेम्प्ट इज आल्सो टू ब्रिंग दिस इकोसिस्टम, जैसे अप्लाइड मटेरियल्स, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ऑफ इक्विपमेंट. सो अप्लाइड मटेरियल हैज स्टार्टेड सेटिंग अप देयर प्लांट इन इंडिया. दे आर डिजाइनिंग इन इंडिया, manufacturing in India, so the equipment also then comes to India. आप सोच रहे हो पूरा कंप्लीट इसमें, इसके अंदर जो कुछ भी चाहिए होता है वो सारा. तो इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट मिलेगा मेजरली हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग. तो पीएम साहब का जो विजन है मेक इन इंडिया का, वो विजन इससे बहुत पूरी तरह से कंप्लीट.